गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, दो चार दिन से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी और आज जो है क्योंकि हमारे त्योहार है तो इसीलिए आज मैं बना रही हूँ व्लॉग। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं इगास बग्वाल की। तो आज के दिन दोस्तों तुलसी माता की शादी सालिग्राम भगवान से की जाती है और जो भी महिलाएं हैं वो व्रत वगैरह रखती हैं और फिर शाम के समय माता तुलसी जी की सालिग्राम भगवान जी के साथ शादी की जाती है। और इगास बग्वाल जो कि उत्तराखंड का लोक पर्व माना जाता है, तो बेसिकली जो इगास बग्वाल है इसको बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है और ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो आज के दिन दिवाली के ही जैसे जो है दिए जलाए जाते हैं। और दोस्तों, इगास दिवाली जो है हमारे वहाँ दिवाली के 11 दिन बाद मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है हमारे उत्तराखंड में कि जब राम भगवान जी अयोध्या से आए थे तो उनकी जो जीत की खबर है, अयोध्या लौटने की जो खबर है, वो हमारे उत्तराखंड में एक दिवाली के 11 दिन बाद पहुंची थी। तो इसी वजह से जो है बूढ़ी दिवाली के या फिर इगास बग्वाल के तौर पर उत्तराखंड का जो ये लोक पर्व है ये दिवाली के 11 दिन बाद हम मनाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जो हमारे माधव सिंह भंडारी जी थे जब ये तिब्बत की लड़ाई में गए थे तो दिवाली के टाइम पे ना ये वहीं थे तिब्बत की लड़ाई में, तो उस टाइम हमारे उत्तराखंड में दिवाली नहीं मनाई गई थी। तो जब 11 दिन बाद वो तिब्बत की जो लड़ाई थी उस युद्ध में जीत हासिल करके जब वापस लौटे थे तो फिर जो है हर्षोल्लास के साथ दिवाली की तरह एक माहौल बनाया गया था और दिवाली सेलिब्रेट की गई थी। तो अलग अलग जो है मान्यताएं हमारे उत्तराखंड में मानी जाती हैं और चीड़ की लकड़ी में रस्सी से बांध के ऐसे करके आग लगा के भी घुमाते हुए ये सब चीजें जो है की जाती हैं। तो आज सभी को आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं इगास बग्वाल की। तो जैसे कि दोस्तों आज है त्योहार तो मैं लगाऊंगी एक पौधा और पौधा लगाने के लिए मुझे चाहिए गमला, तो मैं जा रही हूँ पापा के साथ पास की दुकान में एक गमला लेने। तो यहाँ पे पास में हमारे थी एक भागीरथी हार्डवेयर करके एक शॉप है, अंकल गमले देखने, तो इस शॉप से जो है मैं एक गमला खरीदूंगी और फिर घर जाके उसमें लगाऊंगी पेड़। तो मैंने यहाँ पे लिया है पिंक गमला। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना जो गमला है उसको तैयार। तो सबसे नीचे जो है सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसमें ना चार होल्स बने हुए थे लेकिन उसमें होल्स हुआ नहीं था, तो पहले मैंने गमले में होल्स किया ताकि जो ड्रेनेज है वो मेरा प्रॉपरली हो जाए। और फिर इसमें मैंने एक लेयर जो है ये इररेगुलर शेप के जो ग्रेवल्स हैं उनकी डाल दी है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट मैंने क्योंकि पहले जब मैं शुरू में ऐसे करती थी पौधे लगाती थी तो मैं डायरेक्ट मिट्टी डाल देती थी जिससे जो ड्रेन है ना वो अच्छे से नहीं हो पाता था पानी का। तो इसीलिए अब जो है मैं ये चीज़ मैंने सीख ली है कि इसमें जो है एक लेयर अगर हम इररेगुलर शेप के कुछ ग्रेवल्स बिछा देना तो हमारा ड्रेनेज साइड प्रॉपरली हो पाता है। तो अभी यहाँ पे खुरपी तो है नहीं तो पापा को मैंने भेजा है लेने के लिए, फिर लेके आएंगे, फिर मैं इसमें गमला लगाती हूँ। पौधे जो मुझे लगाने हैं तो ये सारे पौधे फिलहाल तो मैं आज एक ही गमले में लगा दूंगी, क्योंकि ये मैंने बहुत टाइम पहले इसमें पौधे बनाने के लिए इन पौधों को इन छोटे गमलों में लगाया था। तो अब ये मेरे बन चुके हैं। एक्चुअली ये जीजी प्लांट्स कहते हैं, नहीं ये जो ये वाला जो प्लांट है इसको जीजी प्लांट कहते हैं और ये वाला प्लांट जो है एयर प्योरीफाइंग प्लांट होता है। तो एक्चुअली मैं गई थी नर्सरी में पूछने तो ये बहुत महंगा मिल रहा था, तो मुझे ये प्लांट दिख गया एक दिन ताऊजी के वहाँ। तो ताऊजी के वहाँ से मैं इसकी एक कलम लेके आ गई थी एक, तो फिर मैंने कलम लाके इसको लगा दिया था। तो कुछ टाइम बाद मैंने एक पौधा निकाल के देखा तो उसमें जो है जड़ बन चुकी थी। तो फिर मैंने 3-4 उसमें लगा दिया था इनको पॉट्स में और अब मेरे सारे जो प्लांट्स हैं बन चुके हैं, तो इसमें जो है आने लग गए हैं। तो फिर अब मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी इस वाले पॉट में। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये है मेरा ऐसा, ये मेरा खाली पॉट रहता है।
वाला मैंने लगाया था कलम और ये वाला तो सूख चुका है, लेकिन इससे जो मेरी जड़ बनी, ये वाली जो जड़ बन गई है देखिए, ये जड़ बनी और फिर इस जड़ से जो है मेरा ये नया प्लांट यहाँ पे ये वाला ग्रीन सा ये नया सा हो गया है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं कुछ ऐसे लगाती हूँ प्लांट और वो बन जाता है ना, तो ऐसा लगता है मैंने एक नई जिंदगी दे दी, एक डॉक्टर वाली फीलिंग आती है। मेरा जो पॉट है वो हो गया है तैयार, अब मैं इसको रख देती हूँ अंदर क्योंकि ये इंडोर प्लांट है तो हम इसको अंदर ही रखेंगे, बाहर ये खराब हो जाता है धूप में। तो छुट्टन मेरा मम्मी का तो है फास्ट और पापा और प्रत्युष के लिए मैंने जो है आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, तो दिन के लंच में जो है आज नाश्ते जैसा टेस्ट लेंगे पापा, क्योंकि अब पापा ने ही खाना खाना है तो फिर हमने कहा क्या राइस वगैरह क्या बनाए, तो रोटी और सब्जी और चाय के साथ पापा को आज लंच दिया जाएगा। दोस्तों अभी मैं शूट करके आई हूँ दो वीडियो शॉर्ट्स और जिसके लिए मेरे को मैंने ये साड़ी कैरी की थी और मेरी वीडियो अभी छुट्टन ने बनाई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके जरूर वो वीडियोस देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो गाइज हम चल रहे हैं अभी दिए जलाने, सबके दिए जो हैं जल, तो देखिए गाइज यहाँ पे जो है हम लोग दिए रख रहे हैं, अब दिए जला रहे हैं और आज हम बुढ़ दिवाली मनाएंगे ऐसे दिए जला के। हेलो गाइस, ऋषिका ब्लॉग्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और गाइस मेरे को पता नहीं है कि बुढ़ दिवाली क्या होता है, ये मम्मी लोग और छुट्टन दीदी और मम्मी का तो फास्ट था तो उन्हें पता नहीं, मेरे को तो पता नहीं है कि फास्ट क्यों रखा, और ये बताएंगी अभी कृषिका दीदी मेरे को कि बुढ़ दिवाली क्या। तो दोस्तों आज होती है माँ तुलसी की पूजा, तो यहाँ पे मम्मी तुलसी माता की पूजा करेंगी और विष्णु भगवान और तुलसी मैया की पूजा कर रहे हैं हम यहाँ पे, लेकिन हवा इतनी चल रही है कि जो दिया है वो जल नहीं पा रहा है अभी। माँ तुलसी को यहाँ पे मम्मी थोड़ा चुन्नी वुन्नी चढ़ा रही हैं, टीका पिठा करेंगी। तो दोस्तों अब हम खा रहे हैं खाना और खाने में हमारा है खीर पूरी और काले चने बने हुए हैं खाने में, तो प्रत्युष कैसा हो रहा खाना? और यहाँ पे खा रहे हैं पापा खाना, तो पापा बताएंगे पापा कैसा हो रहा खाना। और मम्मी बना रही है यहाँ पे पूरी, गर्मा गर्म पूरियाँ जो हैं पापा और प्रत्युष को दी जा रही हैं, इसके बाद मम्मी मैं और छुट्टन भी करेंगे खाने का। तो दोस्तों अब हम खा रहे हैं खाना, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।